वहीं हिमाचल सरकार ने मंडी के जोगिंदर नगर स्थित शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडी की शानन बिजली परियोजना पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और ये नोटिस हिमाचल सरकार की पंजाब सरकार के सिविल सूट को रद्द करने की अर्जी की सुनवाई के बाद दिया गया है। तो वही पंजाब सरकार लीज खत्म होने के बाद इस परियोजना को अपने पास रखना चाह रहा था, जबकि हिमाचल सरकार लीज अवधि खत्म होने के बाद इस पर प्रदेश की जनता का हक जता रही है। वही हिमाचल प्रदेश सरकार के एडवोकेट अनूप रतन ने इसकी पुष्टि की है। पावर प्रोजेक्ट को लेकर आज उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब सरकार की सिविल सूट को रद्द करने के लिए दायर की गई रिजेक्शन ऑफ प्लेट की एप्लीकेशन पर सुनवाई के पश्चात नोटिस जारी कर पंजाब सरकार को 8 नवंबर से तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा दायर सिविल सूट सुप्रीम कोर्ट में दायर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिविल सूट जो दायर किया गया है वो एक ट्रीटी के ऊपर बेस्ड है, एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है तथा आर्टिकल 131 के अंतर्गत कोई भी सूट जो ट्रीटी के बेस्ड पर बेस्ड हो या किसी एग्रीमेंट के बेस पर बेस्ड हो वो सूट वहां पर नहीं चलाया जा सकता है, वो मुकदमा वहां पर नहीं चलाया जा सकता है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया हमारी दलीलों को सही समझते हुए उस याचिका पर नोटिस जारी कर पंजाब सरकार को जवाब देने के आदेश दिए हैं तथा पंजाब सरकार द्वारा शानन पावर को मेंटेन रखने, अपने पास रखने हेतु जो याचिका दायर की गई है उस पर भारत सरकार को भी जवाब देने के आदेश दिए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए 1925 में तत्कालीन राजा मंडी ने भारत सरकार को, तत्कालीन भारत सरकार को 100 वर्षों के लिए, 99 वर्षों के लिए, 99 वर्षों के लिए लीज पर जमीन दी थी तथा वो लीज मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से लीज समाप्त होने के पश्चात शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश का हक है तथा हिमाचल प्रदेश की जनता का हक है तथा पंजाब सरकार ने उस प्रोजेक्ट को अपने पास रखने हेतु उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटकाया है, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार पुरजोर तरीके से उसे अपने हकों को, अपने हक, अपने राइट्स को डिफेंड कर रही है सुप्रीम कोर्ट में तथा 8 नवंबर को अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी।